नमस्कार, मैं एस के पांडे। आज हमारे सामने एजाज अहमद उपस्थित हैं, जो 2017 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 282 रैंक लाने में सफल रहे हैं। यह इनका सातवां प्रयास था। एजाज अहमद 2016 के बैच में भी सफल रहे थे और ये अपने छठे प्रयास में 697 रैंक लाए थे, जबकि प्रारंभिक चरणों में इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा इस एग्जामिनेशन के दौरान, जहां पहले एवं दूसरे प्रयास में ये प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर सकें। लेकिन उसके बाद अपनी मेहनत के दम पर और अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करते हुए ये तीसरे, चौथे एवं पांचवें प्रयास में मुख्य परीक्षा तक पहुंचने में सफल रहे और छठे एवं सातवें प्रयास में इन्होंने दोनों ही अटेम्प्ट में फाइनल रिजल्ट को प्राप्त कर सके। एजाज की फैमिली बैकग्राउंड को यदि देखें तो इनके फादर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, इनकी मदर हाउसवाइफ हैं और ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एजाज अहमद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस एग्जामिनेशन में, जो एक कठिन चरण का एग्जामिनेशन माना जाता है, इस एग्जामिनेशन में इन्होंने अपने सातवें अटेम्प्ट में एक बहुत ही उच्च रैंक को प्राप्त करने में सफल रहे। एजाज, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में जो आम अवधारणा है छात्रों के बीच कि यह एक बहुत ही कठिनतम एग्जाम माना जाता है और इसमें सफल होना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत सारे छात्र यह भी मानते हैं कि यह एग्जाम टाइम वेस्ट है, आपका क्या मानना है? एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं जो जुड़े हुए इस एग्जाम से, जैसे कि बहुत टफ एग्जाम है, बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर आपके पास सही गाइडेंस हो, सही स्ट्रेटजी हो, तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम है और बहुत कम समय में आप इसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए और गाइडेंस होनी चाहिए और क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये आपको पता होना चाहिए। आप इस एग्जामिनेशन में सफलता कैसे प्राप्त की है? क्या आपने इसके लिए कोई अलग स्ट्रेटजी बनाया था? एग्जाम के लिए हर एक चरण के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि तीन चरण का एग्जाम है ये, तो प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक के लिए आपकी अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लिखित होता है मेंस, तो मेंस के लिए आपकी एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इंटरव्यू पूरी तरीके से आपके पर्सनैलिटी को जज करता है, इसके लिए आपके पास उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अलग से आपके पास प्लान तीनों एग्जाम्स तीनों चरण के लिए होनी चाहिए ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें और अगर कहीं भी आपकी स्ट्रेटजी गलत होगी तो आप उसको तुरंत रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। जज, जैसा कि पिछली सफलता में भी हम लोग मिले थे जी, और आप बहुत दिनों से जुड़े हुए भी रहे हैं हमारे साथ, किरण प्रकाशन के साथ, किरण प्रकाशन की एक बुक जो आपने पिछले अपने इंटरव्यू में बतलाया भी था कि जिसमें आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी, जो यूपीएससी जनरल स्टडी चैप्टर वाइज जो सॉल्ट पेपर इनका प्रीवियस ईयर पेपर आता है, तो इस एग्जामिनेशन में क्या फिर से आपने उसको उस पर वर्क किया था? प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है वो किताब, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए वो बहुत अच्छी किताब है, ताकि आप जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं, बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे आपको, तो वो क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होता है प्रीलिम्स के लिए। एजाज, आपको इस सफलता में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इस एग्जामिनेशन में सफलता के प्रति आप किसे इसके क्रेडिट देना चाहते हैं? प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिली, खास करके पिताजी से मिली, जो उन्होंने 32 साल भारतीय सेना को दिया, अपने देश को दिया, तो उनकी सर्विस को देख के मुझे लगा कि हाँ, हमें भी देश सेवा करनी चाहिए। अब चूंकि उन्होंने मिलिट्री को चूज़ किया तो मैंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ किया और इसका पूरा श्रेय मैं सबसे पहले ऑलमाइटी गॉड को दूंगा, जिनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ, उसके बाद में अपने परिवार को, दोस्तों को और शुभचिंतकों को। जज, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के बारे में एक यह भी अवधारणा है बहुत सारे छात्रों का कि इसका सिलेबस बहुत ही लेंदी होता है, तो क्या आपने प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी के दरमियान क्या इसे आपने कुछ सेपरेट किया था या प्रीलिम्स और मेंस का अपने साथ साथ तैयारी किया,
क्योंकि कुछ लोगों का यह भी मानना होता है कि नहीं पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो फिर मेंस की तैयारी करो, तो आपने कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया? शुरू में मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि प्रीलिम्स के लिए पहले पढ़ो फिर मेंस के लिए पढ़ो, लेकिन जब शुरू के प्रयासों में मैं विफल रहा तो मुझे लगा कि नहीं ये दोनों को अलग अलग ना करके एक साथ पढ़ा जाए तो समय भी बच जाएगा और एक जगह का नॉलेज, एक चरण का नॉलेज दूसरी जगह भी उपयोग में आता है, इसीलिए आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपका समय भी बचेगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। जैसा कि आपने 2016 में भी आप सफल रहे और आप ट्रेनिंग करते, ट्रेनिंग के दरमियान ही आपने फिर से 2017 में एक अच्छे रैंक के साथ आप सफल होने में सफल रहे, आपने सफलता प्राप्त की, तो आपको कहां कहां पे परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि आपके पास तो समय भी बहुत कम मिला होगा? नहीं, एक्चुअली मेंस एग्जाम लिखने के बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो इसकी वजह से जो प्रीलिम्स और मेंस का समय था वो मेरे पास था, लेकिन उस दौरान कम समय मिल पाता था, लेकिन फिर भी जो समय मिल पाता था उसका सही उपयोग किया मैंने और परिणाम स्वरूप आप देख सकते हो कि मेरा रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा एजाज, यह भी बहुत सारे छात्रों का यह मानना है कि आज का जो प्रश्न का जो स्टैंडर्ड जो है, जो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं खासकर मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स को उसमें बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, तो अगर न्यूज पेपर को कैसे लिंक किया जाए मेंस के एग्जामिनेशन के लिए और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट के साथ, कैसे उसे इंटरलिंक किया जाए? देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदल गया है, अब हर एक प्रश्न की अपनी प्रासंगिकता है, मतलब इम्पोर्टेंस है, रेलेवेंस है, और वो ये है कि आपसे हर एक चीज जाना जाता है कि आप इस बारे में जानते हैं कि नहीं, इस विषय के बारे में जानते हैं कि नहीं, और अगर जानते हैं तो आपका अगर प्रशासन के क्षेत्र में जाते हैं या सर्विस के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आप इसका किस तरीके से उपयोग करेंगे वहाँ जाकर, ये एक्सपेक्टेशन है इस एग्ज़ाम का। इसीलिए जो भी चीज़, जो भी करेंट अफेयर्स है, चाहे जो भी हैपनिंग्स है आपके विसिनिटी में, आपके अगल बगल में, तो चीज़ों को गौर से पढ़िए और उसको अपने जीवन से और खास करके प्रशासन से उसको लिंक करने की कोशिश कीजिए और समझिए कि वो चीज़ों का क्या आपको फ्यूचर में उपयोग होता है। अगर आपने ये दृष्टिकोण अपनाया और इसके ऊपर आपने काम किया तो मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि आप जो प्रश्न पूछे जा रहे हो खास करके करेंट अफेयर्स रिलेटेड, आप उसको सॉल्व करने में कुछ हद तक कामयाब होंगे। एजाज, पेपर फोर मुख्य परीक्षा के लिए जो इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का जो पेपर है, तो इसकी आपने तैयारी कैसे की? इसके लिए मैंने जो हमारी पुरानी पुस्तकें हैं जैसे कि हितोपदेश है, महाभारत है, महाभारत में जो कृष्ण और अर्जुन के साथ संवाद है और बाकी जो कृष्ण ने बाकी सारी चीज़ें दी हैं, उसके अलावा जो हमारे एथिक्स है, हमारा वैल्यू सिस्टम है, जो प्रासंगिकता है इनकी और जो वैल्यू सिस्टम है उसका जो इम्पोर्टेंस है आज हमारी सोसाइटी में, मैंने उसको पढ़ा। मैंने ज़्यादातर किताबों को नहीं रेफर किया, मैंने उसको प्रैक्टिकली पढ़ा, देखा, समझा चीज़ों को, वो हमारे कैसे चीज़ों को हमारे यूज़ किया जा सकता है और इसको यूज़ करके मैंने जो भी आंसर लिखे इसको यूज़ करके, किताबें ज़्यादा मैंने रेफर नहीं की क्योंकि किताबें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे, लेकिन जो प्रश्न थे वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होते थे, तो प्रैक्टिकल सवाल का प्रैक्टिकल से ही अगर आप जवाब दो तो ज़्यादा बेहतर। आपने केस स्टडी की तैयारी कैसे की? केस स्टडी में जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ हर एक विषय पे उनसे चर्चा करता था और उनके दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से मिलाता था और फिर एक मध्यम मार्ग लाने की कोशिश करता था ताकि किसी भी सवाल का एक अतिवादी जवाब ना हो, एक मध्यम मार्ग हो जिससे बीच का रास्ता निकले और उसी को मैंने एग्जाम में। एजाज, नोट्स को तैयार कर, खुद ही स्टूडेंटों को अपने नोट्स तैयार करने से संबंधित आपकी क्या अवधारणा है? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको किताबों से बार बार जाने से बचाते हैं, इसीलिए मेरा ये मानना है कि हर एक अभ्यर्थी को जो इस परीक्षा के बारे में सोचता है उसे नोट्स तैयार करने चाहिए क्योंकि वो आपके समय को बचाएंगे और कम समय में आप अपनी चीज़ों को वापस से रिवाइज कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। एजाज, आपके आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे? मेरा ऑप्शनल सब अटेम्प्ट्स में मैंने जितने भी 5 अटेम्प्ट्स दिए मेंस के उसमें मैंने एंथ्रोपोलॉजी थी। लेकिन एंथ्रो रखने के पीछे क्या रीजन थे आपके? देखिए एंथ्रो जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रेलेवेंस है आज के समय और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है खास करके जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा में और एंथ्रो में बहुत हद तक आप देखोगे एक सिमिलैरिटी आ जाती है, समानता आ जाती है। जैसे आप प्रशासन के क्षेत्र में जा रहे हो तो प्रशासन का जो केंद्र होता है वो मनुष्य होता है, मनुष्य उसकी उसकी जरूरतें होती हैं, उसकी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी एक मनुष्य का
आप देखते हो कि एंथ्रोपोलॉजी के केंद्र में भी मनुष्य ही होता है, तो दोनों में समानता ये है कि दोनों के क्षेत्र केंद्र में और दोनों के स्कोप में मनुष्य है। तो अगर मनुष्य के बारे में प्रशासन करना है तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए, और उसको जानने का सबसे बेहतर तरीका एंथ्रोपोलॉजी था। तो उसके सामाजिक आर्थिक जो भी क्षेत्र देखोगे, सांस्कृतिक जितने भी पक्ष देखोगे आप एंथ्रो में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप ये सारे पक्ष को जान जाओगे तो मनुष्य के प्रशासन में आपको एक हद तक काफ़ी हद तक मेरा मानना है काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी। इजाज आपने टाइम को कैसे मैनेज किया मेंस की परीक्षा के लिए, ऑप्शनल पेपर के लिए, तो क्या कुछ अलग स्ट्रेटजी आप बनाए थे क्या? देखिए समय का प्रबंधन इस एग्ज़ाम का बहुत बड़ा एक रूल होता है कि अगर आप सही से समय को आप मैनेज कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम को मैनेज करोगे। इसीलिए आपको ऑप्शनल को मैनेज करने के लिए अलग पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए होता है, और आप GGS को और ख़ास करके हिस्से के लिए हर एक चीज़ के लिए आपको अलग टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि GS के लिए आप अलग टाइम टेबल बनाएंगे, अपने ऑप्शनल के लिए अलग बनाएंगे, हिस्से के पेपर के लिए अलग बनाएंगे, और ख़ास करके इनके अलावा जो जो पासिंग एग्ज़ाम होते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश का, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम से पहले उसके बारे में आप थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें ताकि आप इजीली उस एग्ज़ाम को भी पास कर सकें। यार ऐसे तो आपके पास टाइम बहुत कम मिले होंगे, लेकिन सामान्यतः आप कितने घंटे पढ़ते थे, और एक सामान्य स्टूडेंट को, जनरल स्टूडेंट को कितने घंटे की पढ़ाई इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए करनी चाहिए? देखिए हर एक स्टूडेंट का, खास करके इंसान का जो होता है एक अपना डिफरेंट माइंड फ्रेम होता है। कुछ इंसान जो होता है 5 घंटे पढ़ के सारी चीज़ें समझ जाता है, कुछ लोग 15 घंटे 18 घंटे पढ़ के जो चीज़ें नहीं समझ पाते। तो हर एक इंसान का अपना कैपेसिटी होता है। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आदमी को अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि वो कितने कम समय में कितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकता है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं इंपॉर्टेंट होता, अगर पढ़ने के बाद उसको अवशोषित कर लेता है और फ्यूचर में प्रोड्यूस करने के लायक बना लेता है तो अगर वो 4 घंटा भी पढ़ता है तो वो मोर देन सफिशियंट है, या 18 घंटा भी पढ़ता है तो सफिशियंट नहीं है। तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू टाइम फ्रेम कि 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। इजाज आपने मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन में कौन सा तरीका आपने अपनाया था? क्या बुलेट पॉइंट में आपने वो किया, या फिर पैराग्राफ में लिखा, या फिर कुछ अलग और भी कुछ अलग तरीके से आपने काम किया? शुरुआत के दिनों में जो मैंने शुरू किए जो मेंस लिखे थे उसमें मैंने पैराग्राफ वाइज लिखना चालू किया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये स्ट्रैटेजी गलत है क्योंकि कम नंबर आते थे मेरे GS में, क्योंकि इस फील्ड में तो आपका काफ़ी अनुभव रहा है। तो फाइनली मैंने देखा कि बुलेट फॉर्म में लिखने से क्या होता है कि समय भी बच जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपना जो आपने पढ़ा होता है, क्योंकि मेरे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता था, समय कम हो जाता था और स्पेस भी कम होता था। तो मैंने बुलेट फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया और उसमें जितना भी जो कुछ भी जानता था मैं उसमें पॉइंट वाइज में लिख के खत्म कर देता था। और इसीलिए क्या होगा कि पिछले वर्ष मुकाबले का इस प्रयास में देखोगे आप तो मुझे GS में जाना चाहिए, GS में क्या ऑप्शनल में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। अच्छा एजाज अब जो प्रश्न के जो तरीके जो बदले हुए हैं, खासकर 2011 से देखा जाए तो अब जो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसमें शब्द सीमा पहले भी होते थे, लेकिन अब शब्द सीमाओं को कम कर दिया गया है और 200-250 शब्दों में आपके उत्तर लिखने होते हैं। ये थोड़ी बहुत परेशानी वाली बातें होती है कि 200 शब्दों में आप उत्तर को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो उसके लिए आपने क्या किया? मैंने बताया आपको ना कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को लिखने का सही तरीका होता है कि आप उसको या तो बुलेट फॉर्म में लिखिए या पॉइंट फॉर्म में लिखिए, क्योंकि पैराग्राफ में आप लिखने जाएंगे तो पैराग्राफ एक टॉपिक के ऊपर एक ही पैराग्राफ माना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप 2-3 पैराग्राफ लिखते हैं आपका टाइम खत्म हो जाता है और स्पेस भी खत्म हो जाता है। इसीलिए बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, 4 बुलेट फॉर्म लिखेंगे 4 डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में लिखने का फायदा ये होता है कि अगर आपने 8 पॉइंट लिखा है तो वो 8 डिफरेंट पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं और उस पर मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू द पैराग्राफ वाइज। आपने क्या कोई टेस्ट सीरीज भी किया था? मतलब ऐसे मतलब कोई प्रोफेशनली टेस्ट सीरीज नहीं किया था, मतलब मैं जामिया के सिविल सर्विस के कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया था जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता था, तो मैं वहाँ था तो वहाँ के लोगों कंडक्ट करते थे तो मैं उसी में पार्टिसिपेट किया। आज बहुत सारे छात्र जो हैं वे उनका यह मानना है कि ऑनलाइन चीज़ों को ज़्यादा समझना आसान है या इंटरनेट का ज़्यादा ज़्यादा यूज करते हैं, आपका इस विषय में क्या मानना है कि इंटरनेट का यूज करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करनी चाहिए?
देखिए इंटरनेट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको अब नॉलेज जो होता है वो टिप ऑफ द फिंगर चाहिए होता है, तुरंत आप दबाइए आपको नॉलेज मिल जाता है, इंटरनेट में ये सुविधा होती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इंटरनेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई को सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन किताबें अपने आप में एक अहमियत रखती हैं और किताबें पढ़नी चाहिए। और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें तुरंत जान जाते हैं और किताबों में जाएंगे ढूंढेंगे उससे अच्छा है कि तुरंत मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी किताबें जिनको पढ़ना ही चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, उसके अलावा आप सप्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को इंटरनेट के द्वारा। आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? मैंने बताया आपको कि मैं जामिया के रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी वाले प्रोग्राम में पहले से एनरोल था, जो भारत सरकार और अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो वहाँ इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट होते थे, तो वहाँ अपने जो डायरेक्टर हैं हमारे, वो भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, और वहाँ जितने भी लोग आते थे वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते थे, तो उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी को वहाँ पर प्रूव किया और वहीं मैंने मॉक सारे के सारे अपने मॉक्स दिए। और फाइनली आप देखोगे कि उनकी वजह से क्या हुआ, तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था लास्ट टाइम और इस बार भी अच्छा हुआ, तो पूरी तरीके से मैं वहाँ पे रिलाई किया इंटरव्यू के लिए। आपने तो एक बार पहले भी इंटरव्यू दिया था, सेलेक्ट भी आप हुए थे, क्या उसके बाद भी फिर से दोबारा आपने इंटरव्यू के लिए कोई इंटरव्यू आपने दिया था? नहीं, उसके बाद नहीं, पिछली बार की बात है, पिछली बार में मैंने दिया था, उसके बाद तो फिर ट्रेनिंग में कोई टाइम नहीं मिला मुझे। ट्रेनिंग में बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि मतलब एक बार आपने रियल इंटरव्यू को फेस कर लिया था तो आपको परेशानी अब नहीं चली? नहीं, हाँ एक्चुअली क्या होता है, एक बार आप जान जाएंगे ना कि इंटरव्यू क्या होता है, जब तक आप नहीं जानते हो तभी तक डर होता है। एक बार देख लिया था मैंने और उसमें भी काफ़ी अच्छे, मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है और बहुत ही आपको आराम से होता है, तो आपको घबराने की जरूरत, जब तक आप नहीं देते तब तक घबराते रहते, एक बार आप दे लेंगे तो आपकी भी घबराहट दूर हो जाती है। तो एक बार मैंने दे दिया था तो पूरी तरीके से इत्मीनान हो गया था कि कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, जितना मैंने पढ़ा है जितना मैं जानता हूँ वो काफ़ी है, और बाकी चूँकि मैं सर्विस में ही था तो टाइम तो ज़्यादा मिला नहीं, इसीलिए मैं डायरेक्ट अकेडमी से आके डायरेक्ट चला गया इंटरव्यू देने के लिए। एजाज, आपके दोनों ही इंटरव्यू में, मैं पिछले का नहीं इस बार का मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, और क्या इंटरव्यू में कुछ वैसे प्रश्न पूछे गए थे क्या जो इंटरेस्टेड हों, जिसका आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मतलब पिछली बार इंटरव्यू में तो मेरा पूरा टैब बेस्ड था, और इस बार का इंटरव्यू जो था वो मेरा पूरी तरीके से हॉबी बेस्ड था, मैंने कम से कम 5 हॉबीज मेंशन की थी, और मेरे इंटरव्यू में सारी की सारी हॉबी से मेरे प्रश्न पूछे गए थे, और खास करके जो मेरी एक हॉबी है रीडिंग एंड लिसनिंग पोएट्री, तो पोएट्री से रिलेटेड मेरा काफ़ी इंटरव्यू में प्रश्न हुए और मैंने अच्छे से जवाब दिया था। और उसके अलावा बाकी डायरी राइटिंग है, स्विमिंग है, और एक मेरी हॉबी फिशिंग है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल थे। एजाज, किरण प्रकाशन की भी बहुत सारी किताबें आती हैं, खासकर सिविल सर्विसेज के फील्ड में अब इनकी भी बहुत सारी किताबें आती हैं, जैसा कि आपने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने पढ़ा था, उसका आपने प्रिपरेशन भी किया था, इस बार भी आपने किया, अब आईएएस किरण मैगजीन भी आती है, और भी प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड चीज़ें किरण प्रकाशन की निकलती है, तो क्या है? इन सब चीज़ों का आपने कुछ स्टडी किया था? जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उसको बहुत अच्छे से मददगार होती हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं, खास करके पीटी प्रीलिम्स एग्जाम में, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, तो उसमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाते हो जिस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छे से आपको इनसाइट देती है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, पूरी अच्छे से नॉलेज देगी आपको, तो वो काफ़ी अच्छे तक मददगार होती है। एजाज, आप आगे के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हो, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे अपनी स्ट्रेटजी पे काम करनी चाहिए, तो कुछ संक्षिप्त में यदि आप बता सकें तो शायद उन बच्चों को फायदा होगा जो आपके वीडियो को देखकर शायद एक अच्छे रैंक प्राप्त करने में वे सफल रह सके। देखिए, इस एग्जाम का जो सबसे पहली मांग है वो ये है कि आप अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो वो आप एटीट्यूड पैदा करिए, और उस एटीट्यूड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रयास करिए, कम से कम प्रयास तो करिए। कुछ लोग होते हैं जो बिना प्रयास के कहते हैं बहुत टफ एग्जाम हो जाता है, जैसे मेरे यहाँ आने से पहले ये था, और एक तो अगर आपने प्रयास किया और फेल हो गए तो इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास और सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, और अपने आप
में हिम्मत रखिए कि हाँ आपका होगा, जैसे मैंने किया, अपने आप में परसेवरेंस रखा, एक बार दिया फेल हुआ, दूसरी बार दिया फेल हुआ, और फाइनली छठी बार में फेल हुआ। तो इस एग्जाम की एक डिमांड होती है, आप अंदर अपने अंदर वो डिमांड जो है उस एग्जाम की, उसको वो सारे ट्रेड्स पैदा करिए, और अगर आपने वो ट्रेड्स पैदा कर लिए हैं तो ये एग्जाम जो है वो आप क्रैक करने में, आपको एक ना एक दिन आप क्रैक कर जाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि एजाज अहमद जो 5 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू इन्होंने संघर्ष ही किया, और इस संघर्ष का ही परिणाम यह है कि छठे अटेम्प्ट में ये IRS IT के पद तक प्राप्त हो कर सकें। उसके बाद 7वें अटेम्प्ट में जो UPSC का जो टारगेट एक लक्ष्य होता है, जो हर स्टूडेंट के लिए होता है, चाहे वह कोई भी सफल अभ्यर्थी हो, यदि वह IAS नहीं बनता है तो हर स्टूडेंट का यदि एज और अटेम्प्ट होता है तो वह अंतिम प्रयास तक देना चाहता है, और आज एजाज उस प्रयास में सफल रहे। तो एजाज को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, और एजाज पहले से भी जुड़े रहे थे, फिर से जुड़े और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे, तो आगे समय समय पर एजाज आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।